इसमें फ्लैश कैसे नहीं चल रहा है? अरे भाई चल जा। गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्या यहाँ सर लाइट जाने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? लाइट चलेगी, आपको पता है भाई गांव के अंदर लाइट आती है कैसी है, कभी आती है और कभी नहीं आती, कभी आती है और कभी चली जाती है। वेरी गुड इवनिंग साक्षी, शालिनी वेरी गुड इवनिंग, निधि वेरी गुड इवनिंग, विजय वेरी गुड इवनिंग, दिव्या भारती वेरी गुड इवनिंग, पूनम खालिया वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा एक बार अपन जस्ट कुछ सेकंड के लिए वेट कर लेते हैं, जरा लाइट आ ही जाती है। अभी साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर दिया, वेरी गुड इवनिंग दिया, वेरी गुड इवनिंग रानी, वेरी गुड इवनिंग रानी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, देखिए गाइस आज अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीजन थेरेपी के मेथड्स की बात करने वाले हैं, यानी कि ऑक्सीजन इनहेलेशन के मेथड्स की बात आज अपन करेंगे कि सब कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा अपन ऑक्सीजन इनहेलेशन यानी कि पेशेंट को अपन ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इन सभी मेथड्स की अपन बात कर रहे हैं, दिख रहे हैं सर? कंटिन्यू करो आप, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करने बढ़ाना ताराजन, वेरी गुड इवनिंग तारा, वेरी गुड इवनिंग ताराजन। चलिए तो अपन बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, यानी कि ऑक्सीजन इनहेलेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो माय डियर प्रीवियस क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया था कि साहब ऑक्सीजन इनहेलेशन के अपने पास में पांच मेथड है, यानी कि पेशेंट को ओटू थेरेपी देने के अपने पास कितने मेथड्स हैं? बोले पांच मेथड्स हैं। अगर अपन वन बाय वन यहाँ से बात करें, प्रीवियस के अंदर अपन ने हायरार्की बनाई थी कि साहब ये पांच मेथड कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला मेथड अपन ने जो देखा था वो कौन सा देखा था अपन ने? नेजल कैथेटर। अपन देखिए ये जो हायरार्की है जस्ट प्रीवियस क्लास के अंदर अपने सेट कर ली थी। पांच मेथड्स होते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन के, नेजल कैथेटर होता है, नेजल कैनुला होता है, तीसरा मास्क होता है, चौथा ऑक्सीजन टेंट होता है और साथ साथ में पांचवा होता है आपका ऑक्सीजन फुट होता है ना। सभी वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे और अभी अपन फर्स्ट मेथड ऑफ द ऑक्सीजन इनहेलेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसे अपन क्या कहेंगे? नेजल कैथेटर के नाम से अपन इसे जानेंगे। तो देखिए गाइस अगर यहाँ से अपन क्वेश्चंस के अगर अपन बात करते हैं माय डियर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान में रखने चलना है, क्या ध्यान में रखने चलना है कि साहब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। कि साहब क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन थेरेपी देने का जो मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है माय डियर, वो मेथड कौन सा होता है? नेजल कैथेटर। ध्यान रखना कल अपन है कि आज मोस्ट मेथड का पोर्शन पूरा हो जाएगा अगर राइट टाइम पे आ गई तो ना। और कल अपन यहाँ से अपन कल डिस्कस करेंगे सभी के सभी ऑटो थेरेपी के इमेज बेस के भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको नेजल कैथेटर इमेज बेस दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बाकी सारे के सारे जो भी इमेज बेस क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर भी अपन ऑक्सीजन थेरेपी के डिस्कस करेंगे। तो माय डियर सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि साहब जो नेजल कैथेटर है ये क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन। कि साहब ऑक्सीजन इनहेलेशन का जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन सा है? तो माय डियर आपको आंसर देके चलना है नेजल कैथेटर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर। अब देखिए आपके माइंड में यहाँ पे छोटा सा डाउट आता होगा कि सर अभी तक अगर मोस्टली हमने अगर हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को ओटू थेरेपी अगर देते हुए देखा है तो या तो नेजल कैनुला के द्वारा दी है या फिर मास्क के द्वारा दी है। लेकिन माय डियर आपको पता है यानी कि जो थ्योरी होती है प्रैक्टिस से थोड़ी सी हट के होती है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में एज ए मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन कौन सा माना जाता है? नेजल कैथेटर। तो माय डियर आपको अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन सही करना है तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन थेरेपी देने का जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो कौन सा होता है माय डियर? नेजल
थिएटर होता है, इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रख करके चलनी है। वेल बहुत अच्छा, लाइट आ गई, एक बार मैं इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ, है ना। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए, बस हो गया हो गया, बस हो गया, सेटिंग चेंज हो गई इसकी, है ना। चलो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है वो नेजल कैथेटर। अब यहाँ से आपको दूसरी बात यहाँ से स्टार लगा करके ध्यान में रखनी है कि भाई जो नेजल जो कैथेटर होता है माय डियर, ये जो नेजल कैथेटर है इसको अपन इंसर्ट करते हैं किसके किसके थ्रू, लेफ्ट नोस्टिल के थ्रू नेजल कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। कितना सेंटीमीटर इंसर्ट किया जाता है? 10 सेंटीमीटर इंसर्ट किया जाता है। देखो माय डियर, चाहे से नेजल कैथेटर ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हो और चाहे से फीडिंग के लिए एनजी ट्यूब हो यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो, दोनों जैसे किसी भी प्रकार का अपन नोज के थ्रू अगर इंसर्शन करते हैं, क्या हो रहा है करते हैं, तो अपन किसके थ्रू करेंगे? लेफ्ट नोस्ट्रिल के थ्रू अपन क्या करेंगे? इंसर्शन करेंगे। क्लियर? क्यों क्यों करेंगे इंसर्शन? क्योंकि देखो अपना जो नेजल जो सेप्टम होता है, ये नेजल सेप्टम राइट साइड की तरफ यानी कि राइट नोस्ट्रिल की तरफ क्या होता है? डेविएट रहता है, जिसकी वजह से जो राइट नोस्ट्रिल होता है वो क्या होता है? नैरो होता है, और लेफ्ट जो नोस्ट्रिल होता है वो कैसा होता है? वाइड होता है। इसलिए अगर अपन लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि वाइड नोस्ट्रिल के द्वारा अगर कोई ट्यूब अगर कोई कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इंजरी के चांसेस क्या हो जाते हैं माय डियर? कम हो जाते हैं। इसलिए इस नेजल कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है कौन से नोस्ट्रिल के थ्रू? लेफ्ट नोस्ट्रिल के थ्रू। कितना सेंटीमीटर आपको इंसर्ट करना है, एक बार चीजों को समझिएगा, कितना सेंटीमीटर आपको इंसर्ट करना है माय डियर? 10 सेंटीमीटर क्या करना है आपको? इंसर्ट करना है। कौन से नोस्ट्रिल से करना है आपको? लेफ्ट नोस्ट्रिल के द्वारा क्या करना है? इंसर्ट करना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है यहां से, इस नेजल कैथेटर के मेजरमेंट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग गाइस? मेजरमेंट के रिगार्डिंग। मेजरमेंट का मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि भाई एनजी ट्यूब अपन फिटिंग करते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हैं, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को अपन मेजर करते हैं कहाँ से? टिप ऑफ द लेफ्ट नोस्ट्रिल टू ईयर लोब और फिर ईयर लोब के ज़िगोट प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। इसी प्रकार जब नेजल कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने से पहले इसे मेजर किया जाता है, तो मेजरमेंट की क्या होती है, कहां से कहां तक अपन नेजल कैथेटर को मेजर करेंगे? तो माय डियर आपको ध्यान में रखना है कहां से कहां तक मेजर किया जाता है इसको? टिप ऑफ नोज। कहां से कहां तक है? टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब। टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, ये जो लूज स्ट्रक्चर जो होती है एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट होता है, इसे अपन ईयर लोब कहते हैं माय डियर। तो टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज से लेकर के और कहां तक मेजर करना है? कहां तक मेजर करना है? ईयर लोब तक मेजर करना है। कितना सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे? 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे। कौन से नोस्ट्रिल इंसर्ट करेंगे? लेफ्ट नोस्ट्रिल के द्वारा क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। और एक बात आप भली भांति जानते हो, चाहे से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो, चाहे से कोई यूरिनरी कैथेटर हो, चाहे से कोई एंडोस्कोप हो, जब भी अपन बॉडी के अंदर कोई भी ट्यूब अगर इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने से पहले उस ट्यूब को अपन क्या करते हैं माय डियर? लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट इसलिए करते हैं ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन और जो ट्यूब होती है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो और म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हो। इसलिए अपन क्या करते हैं, इस ट्यूब को इंसर्शन से पहले क्या करते हैं? लुब्रिकेट करते हैं। तो सेम थिंग यहीं पे नेजल कैथेटर के अंदर भी रहेगी। क्या करना है? लुब्रिकेट करना है। वो भी कब करना है? बिफोर इंसर्शन। क्या करना है? बिफोर इंसर्शन। क्या अप्लाई करनी है माय डियर? 2% ज़ाइलोकेन। क्या अप्लाई करनी है? 2% ज़ाइलोकेन अप्लाई करेंगे। कहां पर? ऑन द टिप ऑफ द कैथेटर, देन इंसर्ट इनटू लेफ्ट नोस्ट्रिल। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। कौन से ऑर्गन तक नेजल कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है? ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हो सकता है। भाई लेंथ तो आपने कह दी कि साहब 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम? इंसर्ट करेंगे। लेकिन कौन से ऑर्गन तक नेजल कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है? तो आपका आंसर क्या जाएगा?
आइडिया क्या से आपका आंसर जाएगा अप टू दी उंगला, कहां तक है अप टू दी उंगला। उंगला का मतलब जैसा कि आप देखते हो जब भी अपन मुंह खोलते हैं तो थ्रोट के जस्ट बैक साइड के अंदर एक कलेक्टिव टिश्यू की लटकी हुई स्ट्रक्चर दिखती है, इसे अपन क्या कहते हैं उंगला कहते हैं। ये जो उंगला होती है ये क्या काम करती है, जब भी अपने को रिग्रेसिटेशन होता है या फिर वोमिटिंग होता है उस टाइम पर जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं इन गैस्ट्रिक कंटेंट्स को नेसोफेरिंज में जाने से प्रिवेंट करती है कौन, ये उंगला। तो माय डियर इतना भी ध्यान रखना कि उंगला एक कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर होती है तो थ्रोट के बैक साइड में बिहाइंड पाई जाती है, ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स को रीइरिटेशन या फिर वोमिटिंग के टाइम पर नेसोफेरिंज में जाने से प्रिवेंट करती है। इसे उंगला तक क्या करना है, इसे नेजल कैथेटर को क्या करना है उंगला तक अपने को इंसर्टेड करना है। क्लियर गाइस, इतनी बात क्लियर है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है माय डियर वो क्या बनता है कि जैसे कि आपसे पूछे कि भाई अपन ने नेजल कैथेटर इंसर्ट कर दिया, मेजरमेंट भी मेजर कर लिया टिप ऑफ नोज से ईयर लोब तक, देन 10 सेंटीमीटर भी इंसर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी इस नेजल कैथेटर का प्लेसमेंट चेक करना होता है कि ये उंगला तक पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा, कहीं उंगला से बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है या फिर कहीं उंगला से बहुत ज्यादा अबव तो नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है, इसके प्लेसमेंट को चेक करना होता है। तो आपको ध्यान रखना माय डियर टू चेक प्लेसमेंट, क्या टू चेक प्लेसमेंट, किसका प्लेसमेंट ऑफ नेजल कैथेटर, किसके द्वारा नेजल कैथेटर का प्लेसमेंट चेक किया जाता है। तो माय डियर आपको ध्यान में रखना है एक्सरे के द्वारा, यहाँ पे यूएसजी की कोई नीड नहीं होती है माय डियर, एक्सरे के द्वारा नेजल कैथेटर का क्या किया जाता है प्लेसमेंट चेक किया जाता है। इतनी बात के लिए, देन फिर यहां से आपको दो छोटी छोटी बातें और ध्यान में रखनी है, लेकिन एग्जामिनेशन से दोनों बातें बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बात, पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो नेजल कैथेटर होता है इसकी फ्लो रेट कितनी होती है। फ्लो रेट का मतलब एक मिनट के अंदर नेजल कैथेटर के द्वारा कितनी लीटर ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर हो सकती है, इसे अपन क्या कह रहे हैं फ्लो रेट कहते हैं। तो आपको ध्यान में रख करके चलना है इस नेजल कैथेटर की जो फ्लो रेट होती है वो कितनी होती है, 1-6 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 से लेकर के 6 लीटर के बीच में नेजल कैथेटर क्या कर सकता है ऑक्सीजन को फ्लो कर सकता है, डिलीवरी कर सकता है। देन इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है यहां से कंसंट्रेशन का, किसका ध्यान में रखना है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का मतलब है कि भाई फ्लो रेट तो अपन ने कहा, अमाउंट तो अपन ने कहा कि नेजल कैथेटर है ये एक मिनट में 1 से लेकर के 6 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है, लेकिन भाई कितनी परसेंट कंसंट्रेट ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। कंसंट्रेट का मतलब जैसा कि आप जानते हो अपने एनवायरमेंट के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, इसी प्रकार जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना उसमें 90% ऑक्सीजन होती है और 10% हीलियम होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये नेजल कैथेटर कितनी परसेंट कंसंट्रेट ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है। तो माय डियर आपको ध्यान में रख के चलना है 24 से लेकर के 44%, कितना 24 से लेकर के और 44% कंसंट्रेट ऑक्सीजन को क्या कर सकता है ये नेजल कैथेटर, क्या कर सकता है इतनी कंसंट्रेट ऑक्सीजन को क्या कर सकता है माय डियर ये डिलीवरी कर सकता है। वेल माय डियर इतनी बात क्या, अरे रुको 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 रुको, ये इसमें क्या, इसमें 24 से 44 नहीं, सॉरी कितना है 22 से 30, 24 से 44 नेजल कैन्यूला है, कितना है कंसंट्रेशन कितनी डिलीवर कर सकता है 22 से 30% कंसंट्रेट, करेक्शन कर दो बोलने में हो गया, कितना 22 से 30% कंसंट्रेट ऑक्सीजन क्या कर सकता है ये डिलीवर कर सकता है, कौन है नेजल कैथेटर, कौन है नेजल कैथेटर। क्लियर गाइस इतनी बात। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है किसके रिगार्डिंग, पोजीशन के रिगार्डिंग, और आप जानते हो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो किसका देखने को मिलता है पोजीशन का देखने को ही मिलता है, कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यानी कि मेजर प्रायोरिटी रहती है पोजीशन की, जिसका अपन अलग
सक्सेस चैप्टर डिस्कस करेंगे, पोजीशन का, कंफर्ट डिवाइसेस का, मैकेनिकल डिवाइसेस का। लेकिन अभी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं नेजल कैथेटर के इंसर्शन की, नेजल कैथेटर से ऑक्सीजन थेरेपी देने की। तो अपन यहीं पे डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजल कैथेटर विच पोजीशन प्रोवाइडेड बाय ए नर्सिंग ऑफिसर, कि एक नर्स के द्वारा कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी कब, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजल कैथेटर। तो चलो गिव मी योर रिप्लाई, देयर आर नो एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस नहीं है, केवल वर्बल क्वेश्चन है। ए नर्सिंग ऑफिसर प्रोवाइड्स विच पोजीशन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजल कैथेटर फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, कि ऑक्सीजन थेरेपी के लिए नेजल कैथेटर के इंसर्शन के लिए कौन सी जो है पोजीशन प्रोवाइड करेगी। वेरी गुड इवनिंग विवेक सर, वेरी गुड इवनिंग। हाँ दीक्षा, दीक्षा दीक्षित रोज पोजीशन, रोहित पवार रोज, पूनम क्यालिया रोज, विजय रवीस रोज, रोशनी रोशनी का आंसर है सुपाइन पोजीशन, अमन जालोरिया रोज पोजीशन। बिल्कुल वेल, बहुत अच्छा रिप्लाई है। क्या इतने बच्चों को आता है भाई, इतने भगवान सिंह मोबाइल रोज पोजीशन, दिव्या रोज पोजीशन, वेल बहुत, रूपा पटेल रोज पोजीशन, रानी रोज, किरण लाइफ स्टाइल रोज, क्या बात है भाई, आज तो रोज डे भी नहीं है, सब रोज रोज कैसे बता रहे, रोज ताराचंद रोज पोजीशन, अनुराधा रोज, वेल बहुत अच्छा रिप्लाई है आपका ना। तो देखो कौन सी पोजीशन दी जाती है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजल कैथेटर, ए नर्स प्रोवाइड्स रोज पोजीशन टू दी पेशेंट। माय डियर, रोज पोजीशन का मतलब है यहाँ पे क्या मतलब है, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, सबसे पहले सुपाइन पोजीशन, सबसे पहले कौन सी पोजीशन, सुपाइन, और सुपाइन के साथ में क्या करना है, हाइपर एक्सटेंशन करना है, क्या करना है, हाइपर एक्सटेंशन, किसको करना है हाइपर एक्सटेंशन, नेक को करना है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ ए नेक, यानी कि सुपाइन प्लस हाइपर एक्सटेंशन ऑफ ए नेक। सुपाइन का मतलब बेड के ऊपर पीठ के ऊपर लेटा देना है, इसके बाद में क्या करना है कि जो अपने हॉस्पिटल में ऐसे कंफर्ट डिवाइस जो सैंड बैग्स आते हैं, एक सैंड बैग अप्लाई कर देना कहां पर है, शोल्डर के नीचे, जिससे कि नेक क्या हो जाएगी, इस प्रकार से एक्सटेंडेड हो जाएगी। अगर सैंड बैग अवेलेबल नहीं है तो अपने को क्या करना है, जो टॉवल होता है इस टॉवल को रोल करके, और रोल करने के बाद में कहां अप्लाई कर देना है, शोल्डर्स के नीचे, शोल्डर के नीचे अप्लाई कर देना है, जिससे नेक का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो यहां पे रोज पोजीशन का मतलब है सुपाइन प्लस हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, दिस रोज पोजीशन गिवन बाय द नर्स ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजल कैथेटर। देखो स्पेशली इंसर्शन के टाइम पर ये रिकमेंड होती है ताकि पेशेंट इजीली स्वेलो कर सके, और जो अपना जो नेजो फेरिंग्स लेरिंगो फेरिंग्स ये जो होता है, इनकी डायरेक्शन ही ऐसी होती है कि रोज पोजीशन के अंदर कैथेटर को अगर अपन इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता और इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं और सही सही प्लेस हो जाता है कैथेटर। तो माय डियर, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किससे, नेजल कैथेटर से। अगर मैं आपके एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस की बात करूं, जो टू मच इंपॉर्टेंट है, पहला है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, तो आपको रिप्लाई करके चलना है कि साहब नेजल कैथेटर। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि साहब नेजल कैथेटर का प्लेसमेंट किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो आपको ध्यान में रख के चलना है कि साहब एक्सरे के द्वारा क्या करते हैं, नेजल कैथेटर का प्लेसमेंट अपन चेक करते हैं। Then, इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोजीशन, कि साहब कौन सी पोजीशन दी जाती है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजल कैथेटर, तो भाई ये आपको रिप्लाई करके चलना है सुपाइन पोजीशन दी जाती है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजल कैथेटर। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट थिंग आती है यहाँ से, फ्लो रेट ऑफ द नेजल कैथेटर, तो आपको सिंपली रिप्लाई करके चलना है 1 to 6 लीटर पर मिनट। फिर अगर पूछ ले कि साहब कंसंट्रेशन कितनी परसेंट कंसंट्रेट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है नेजल कैथेटर, तो आपको ध्यान में रखना है 22 से लेकर के 30% कंसंट्रेट, 22 से 30% कंसंट्रेट ऑक्सीजन कौन कर सकता है डिलीवर, ये नेजल कैथेटर जो आपका है ये डिलीवर कर सकता है। क्लियर का ये इतनी बात। तो चलिए इन बातों को श्रवण अक्षरों के अंदर अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन कर लीजिएगा, जब आपके एग्जाम्स होंगे, और एग्जाम से पहले जब आप रिविजन
तो यही नोट्स आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन के अंदर काम आने वाले। पहली बात आप लिखो मोस्ट कॉमन एम ओब्लिक सी का मतलब मेंसुरल साइकिल नहीं है, बिकॉज़ अपन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं F1 फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, यानी कि बेसिक कांसेप्ट पढ़ रहे हैं नर्सिंग का, बेस आप पे पढ़ रहे हो माय डियर। तो आपको यहां से ध्यान में रखना है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑटो इनहेलेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो आपका रिप्लाई क्या जाना है नेजल कैथेटर, आपका रिप्लाई जाना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट मैं अगर यहाँ से कहना चाहूँ इस नेजल कैथेटर के रिगार्डिंग, तो आपको ध्यान में रखना है इसका मेजरमेंट, क्या ध्यान में रखना है मेजरमेंट, तो आपको ध्यान रखना है मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक करते हैं, टिप ऑफ नोज, कहाँ से कहाँ तक के टिप ऑफ नोज, नोज की टिप से लेकर के टू ईयर लो, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, नोज की टिप से लेकर के ईयर लोब तक क्या करेंगे मेजर करेंगे। देन इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि उस मार्क लगा करके लिख लेना, इंपोर्टेंट मार्क लगा लेना, क्या बात है कि साहब इंसर्ट इंसर्ट अप टू दी उवला, इंसर्ट अप टू दी उवला, जो उवला होती है कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स को रेजोफेरिंग्स में जाने से प्रिवेंट करती है, उस उवला तक क्या करना है इंसर्ट करना है। पूछे कि साहब कितना सेंटीमीटर इंसर्ट करना है, तो ब्रैकेट में डाल लेना कि साहब कितना सेंटीमीटर इंसर्ट करना है, 10 सेंटीमीटर क्या करना आपको इंसर्ट करना है। फिर आपको यहाँ से छोटी सी बात और आपको ध्यान में रखनी है यहीं पे इसी के अंदर, क्या साइज की साथ जो नेजल कैथेटर आता है इसकी साइज क्या होती है, तो आपको ध्यान में रखना है 4 to 6 फ्रेंच, यानी कि 4 से लेकर के और 6 फ्रेंच के बीच में क्या अवेलेबल अपने पास नेजल कैथेटर अवेलेबल है, यानी कि साइज का रिप्लाई आपका आंसर क्या जाएगा 4 to 6 फ्रेंच जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात अगर मैं यहां से कहूं तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है अप्लाई ज़ाइलोकेन, अप्लाई 2% 2% ज़ाइलोकेन कहां पे अप्लाई करना है ऑन टिप ऑफ ए कैथेटर, ऑन टिप ऑफ ए कैथेटर किसके लिए अप्लाई करना है टू प्रीवेंट फ्रिक्शन, टू प्रीवेंट फ्रिक्शन, यानी कि नेजल कैथेटर और नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेजल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो और ये म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हो, किसी प्रकार के पेशेंट को पेन यानी कि डिस्कम्फर्ट नहीं हो, कोई ब्लीडिंग नहीं हो, इजीली कैथेटर इंसर्ट हो जाए, इसके लिए क्या करना है 2% ज़ाइलोकेन अप्लाई कर देनी है कहाँ पे टिप ऑफ द कैथेटर, देन क्या करना है इंसर्ट करना है। इसके बाद में क्या करेंगे अपन इंसर्ट करेंगे, ये सभी अप्लाई करने के बाद में क्लियर गाइस इतनी बात, तो ये तो हुई बात यहां से किसकी इसके इंसर्शन की। देन नेक्स्ट अगर अपन यहां से बात करना चाहे तो आपको ध्यान में रखना है माय डियर, क्या टू चेक द प्लेसमेंट, क्या चेक द प्लेसमेंट, चेक द प्लेसमेंट ऑफ ए नेजल कैथेटर, चेक दी प्लेसमेंट ऑफ नेजल कैथेटर, किसा नेजल कैथेटर का प्लेसमेंट चेक किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा चेक किया जाता है नेजल कैथेटर का प्लेसमेंट, एक्सरे के द्वारा क्या करते हैं अपन नेजल कैथेटर का प्लेसमेंट चेक करें, क्लियर। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहिए नेजल कैथेटर में, तो आपको यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है, एक तो फ्लो रेट, जो कि एवरी मेथड की डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रेट होती है, कैथेटर की अलग होती है, कैनुला की कुछ डिफरेंट होती है, मास्क की और सभी प्रकार के मास्क की फ्लो रेट क्या होती है डिफरेंट, कंसंट्रेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है डिलीवरी करने का, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर, क्वेश्चन मार्क लगा के लिखना, एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्या कि साहब फ्लो रेट ऑफ नेजल कैथेटर, फ्लो रेट ऑफ नेजल कैथेटर कि साहब हाउ मेनी लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर बाय द नेजल कैथेटर, कि नेजल कैथेटर के द्वारा 1 मिनट के अंदर कितनी लीटर ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है, इसे क्या कहते हैं फ्लो रेट कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं फ्लो रेट कहते हैं, जो कि कितनी है माय डियर 1 to 6 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर
पर मिनट, 1 से 6 लीटर पर मिनट के बीच में क्या होती है इसकी फ्लो रेट। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कितनी परसेंट कंसंट्रेट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। तो माय डियर फिर नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है 22 to 30% कंसंट्रेट ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाई नेजल कैथेटर की 22 से 30% कंसंट्रेट ऑक्सीजन क्या की जाती है नेजल कैथेटर के द्वारा डिलीवर की जाती है। जो जो गाइस मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट लगाने हैं, उनको स्पेशली आपको ध्यान में रखना ही है। अगर ये चीजें आप ध्यान में रख लोगे बाकी की रिमेनिंग चीजें ऑटोमेटिकली इनके पीछे पीछे आपके ध्यान में रह जाएंगे। क्लियर गाइज? तो ये थी गाइज अपने ऑक्सीजन इनहेलेशन का पहला मेथड जिसे अपन क्या कहते हैं नेजल कैथेटर के नाम से अपन इसे जानते हैं। वेल गाइज इतनी बात। देन नेजल कैथेटर के बाद में अपन यहाँ से नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन की। तो माय डियर नेजल कैथेटर के बाद में मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा सेकंड मेथड ऑफ ओटो इनहेलेशन जिसे अपन कहते हैं नेजल कैनुला। क्या कहेंगे अपन इसे? नेजल कैनुला के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो गाइस अपन बात कर रहे हैं अभी सेकंड मेथड की। तो माय डियर सेकंड मेथड है ऑटो इनहेलेशन का, वो कौन सा है? नेजल कैनुला। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने बेसिकली देखा होगा नेजल कैनुला हॉस्पिटल के अंदर होता क्या है कि भाई सबसे पहले तो ट्यूबिंग होती है। सबसे पहले क्या होती है कि ट्यूबिंग होती है। ये वो ट्यूबिंग होती है जो ऑक्सीजन सोर्स से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो भाई एक ट्यूबिंग होती है और ये ट्यूबिंग ओटो सोर्स से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो सिंगल ट्यूब होती है ये बाद में आकर के दो ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाती है, इस प्रकार से एक सर्किल के अंदर ये जो ट्यूब है ये दो, ए सिंगल ट्यूब हो, दो ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाती है, एक सर्किल के अंदर इस प्रकार से क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है और फिर डिवाइड होकर के दोनों आपस के अंदर क्या हो जाती है, फ्यूज इनको कर दिया जाता है। और इनका जो सेंटर पार्ट होता है, इस सेंटर पार्ट में क्या लगे होते हैं, दो प्रोब लगे हुए होते हैं। गाइस ये वो प्रोब्स हैं जो किसे किसके अंदर अपने दोनों के दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं। इन दोनों की लेंथ क्या होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है। वो जो सिंगल ट्यूब होती है ये फिर जाकर के ऑक्सीजन सोर्स या तो लाइन से कनेक्ट रहती है या फिर सिलेंडर के साथ में क्या कर दी जाती है, इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो डिवाइस होती है ऑक्सीजन इनहेलेशन की इसे अपन क्या कहते हैं, नेजल कैनुला के नाम से अपन इसे जानते हैं। देखिए मे बी कुछ बफरिंग हो सकती है लेकिन आपको भगना नहीं, अगर पढ़ना है तो भगना नहीं है। 10-20-30 मैक्सिमम 30 सेकंड के लिए आपको वेट करना है, बफरिंग अपने आप क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इतनी कंटिन्यू अपने को रहना। क्लियर? तो इसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, नेजल कैथेटर के नाम से जानते हैं। इसमें दो प्रोब लगे होते हैं, दोनों की हर प्रोब की लेंथ कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है। अब यहां से आपको एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि जो नेजल कैनुला होता है अगर ये नेजल कैनुला ऑक्सीजन थेरेपी देने के काम में आता है तो कैसी कंडीशन के अंदर अपन नेजल कैनुला से ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देते हैं, क्या कंडीशन है, तो आपको ध्यान रखना है। जब अपन ऑक्सीजन इनहेलेशन के मेथड सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया पढ़ रहे थे उसमें एक क्राइटेरिया है था अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, और माय डियर इस ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए नेजल कैनुला मेथड है वो काम में लिया जाता है ओटो इनहेलेशन का। ड्यूरेशन का मतलब जब भी अपने को लॉन्ग टाइम तक किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है उस टाइम पर अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं, नेजल कैनुला। तो आपको यहां से ध्यान में रखना है कि नेजल कैनुला यूज फॉर किसके लिए काम में लिया जाता है, यूज फॉर लॉन्ग टाइम
ऑक्सीजन इनहेलेशन, इसा लंबे समय तक ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, तो आपको रिप्लाई करना है नेजल कैनुला। जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जांपल की बात करें सीओपीडी, भाई जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ये कोई एक वीक में, दो वीक में, तीन वीक में ठीक होने वाले डिजीज नहीं है, कई महीनों तक ये प्रोग्रेस करती है, कई महीनों तक इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। और ऐसी कंडीशन में बार बार पेशेंट की कंडीशन सीवियर होने की वजह से बार बार ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, यानी कि लंबे टाइम तक देनी होती है। इसलिए पेशेंट को जब भी लंबे टाइम तक ओटू थेरेपी देनी होती है तो कौन सा मेथड अपन काम में लेंगे, ऑक्सीजन है यानी कि नेजल कैनुला काम में लेंगे। देन इसके साथ साथ में नेक्स्ट बात आपको यहाँ से ध्यान में रखकर चलना है माय डियर, किसके अंदर, नेजल कैनुला के अंदर, वो क्या बात है। अगर आपको पूछे क्वेश्चन, क्या ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के आपको राइट डाउन करवाऊंगा मैं, एक बार ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि साहब सेफेस्ट एंड कन्वीनियंट, क्या सेफेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, कि भाई ऑक्सीजन इनहेलेशन का सबसे सेफ और सबसे कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक, सबसे सेफ और सबसे सुविधाजनक जो मेथड होता है ऑक्सीजन थेरेपी देने का माय डियर, वो कौन सा होता है, नेजल कैनुला ही होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सेफेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन इज, तो आपको आंसर चूज करना है क्या, नेजल कैनुला। लेकिन बस इसका इस रीजन इतना है कि नेजल कैनुला अपन तब काम में लेते हैं जब किसी पेशेंट को लॉन्ग समय तक क्या देनी होती है, ओटू थेरेपी देनी होती है। फिर यहाँ से आपको एक बात और ध्यान में रखना है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग डाल करके एग्जाम में पूछ सकता है कि साहब विच मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन इज सूटेबल फॉर ए एंजाइटी पेशेंट, कि साहब एक पेशेंट है इसको बात बात से एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए कौन सा मेथड है ऑक्सीजन थेरेपी देने का जो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, तो माय डियर आपको रिप्लाई करके चलना है क्या, नेजल कैनुला। क्यों रिप्लाई करके चलना है, क्योंकि नेजल कैनुला पेशेंट के साथ में कम से कम क्या करता है, इंटरफेयर करता है, जिससे कि पेशेंट को एंजाइटी ज्यादा नहीं होती है। इसलिए एंजाइटी वाले पेशेंट के लिए जो सबसे यूजफुल मेथड होता है या फिर सबसे सुटेबल मेथड होता है ऑक्सीजन इनहेलेशन का, वो कौन सा होता है गाइस, नेजल कैनुला होता है। देन इसके बाद में आपको यहाँ से दो चीजें, क्योंकि हर एक मेथड ये अपन डिस्कस करेंगे, क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे, एक तो आपको ध्यान में रखना है फ्लो रेट का, कि भाई देखो नेजल कैथेटर की फ्लो रेट थी 1 से 6 लीटर, आपको यहाँ से थोड़ा सा कम लेकर के चलना है, नेजल कैनुला की फ्लो रेट होती है 1 से 4 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 to 4 लीटर पर मिनट इज द फ्लो रेट ऑफ द नेजल कैनुला। लेकिन आपको इतना और ध्यान में रखना है कि आज के टाइम में इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जो एडवांस स्टेज के जो नेजल कैनुला आ रहे हैं, इनकी फ्लो रेट सेम एज नेजल कैथेटर होती है, यानी कि नेजल कैथेटर के बराबर होती है, यानी कि कितनी होती है, 1 to 6 लीटर पर मिनट, कितनी होती है 1 to 6 लीटर पर मिनट। फिर आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आता होगा कि सर हमें अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि व्हाट इज द एवरेज फ्लो रेट ऑफ द नेजल कैनुला इज, और एक ऑप्शन में 1 to 4 लीटर, गाइस हो क्या रहा है कि थोड़ा आज का यहाँ का मौसम खराब होने की वजह से लाइट भी बार बार परेशान कर रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, ये ना तो जाती है और ना ही आती है। अगर दोनों में से कोई एक काम कर लेते बहुत अच्छा रह जाए ना, हाँ, लेकिन ये कभी जाती है और कभी आती है, इसलिए बार बार ये लाइट भी परेशान कर रही है, इसलिए थोड़ा कनेक्शन में आपको बफरिंग देखने को मिल रही है। वैसे जो कनेक्शन वाली प्रॉब्लम थी, नेटवर्क वाली प्रॉब्लम थी, उसको वाईफाई के द्वारा अपन ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब ये जो लाइट वाला है इसके लिए देखो गाँव में आजकल, शहरों में तो मोस्ट ऑफ हर घर में इन्वर्टर रह जाता है, गाँव में इतनी आवश्यकता होती नहीं, इसलिए घरों में मोस्ट ऑफ इन्वर्टर नहीं मिल पाता अपने को, है ना, हाँ, इसीलिए अपने को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो देखिए ये लाइट अभी चली गई है, मेरी पूरी बॉडी कपड़े पूरे स्वेटिंग के अंदर गीले हो गए हैं,
इसलिए या तो आप लाइटिंग के आने का वेट कर लो, या फिर अगर वेट नहीं कर सकते हो तो फिर अपन कल ये क्लास डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर जो मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम में भी लाइट ठीक नहीं आती है, अगर ठीक आती है तो रेगुलर इवनिंग में आती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इवनिंग के अंदर भी जैसे ही मौसम खराब हुआ, बारिश का माहौल हुआ, ज्यादा हवा वगैरह चली, लाइट कट कट हो जाती है यहाँ से ना। सर कहाँ है दीक्षा? दीक्षित मेरा गांव है शापरा, यानी कि जो शापरा है, शापरा का मतलब जयपुर दिल्ली रोड के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है शापरा डिस्ट्रिक्ट, वो शापरा डिस्ट्रिक्ट से 22 किलोमीटर थोड़ा सा आउटसाइड में रह जाता है गांव, है ना। हाँ वैसे गांव में क्या सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन बस एक लाइट वाला दिक्कत है। इसके लिए अब देखो इन्वर्टर की व्यवस्था देख करता हूँ मैं, कुछ ना कुछ जुगाड़। वाईफाई का तो हो गया, पूनम क्या लिया? कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करेगा तो चलो। फिर एक मतलब फिर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है? 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट। अभी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर इस बार अगर अपना बफरिंग होती है, कनेक्शन हो जाता है, लाइट आ गई है, लेकिन इस बार अगर फिर से अगर लाइट चली जाती है तो फिर अपन ये जो क्लास है वो कल ही अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना गाइस। अभी तो अपन कंटिन्यू कर लेते हैं, जैसा भी होगा मैं मैनेज कर लूंगा, है ना। चलिए इतनी बात क्लियर। फ्लोरेट 1 से 4 लीटर होता है, और जो कंसंट्रेशन होता है कि हाउ मेनी कंसंट्रेट ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय इस मेजर कैनुला, तो भाई के आपको रिप्लाई करके चलना है 24 to 44% कंसंट्रेट ऑक्सीजन, 24 to 44% ऑक्सीजन डिलीवर बाय नेजल कैनुला, कि नेजल कैनुला के द्वारा 24 से 44% कंसंट्रेट ऑक्सीजन क्या की जाती है, डिलीवर की जाती है। फिर यहां से देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको और यहां से ध्यान में रखकर के चलनी है। अभी देखो अपन ने जो नेजल कैथेटर अपन ने डिस्कस किया था, आपको यहां से ध्यान में रखकर के चलना है कि जो नेजल कैथेटर होता है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। कितने समय के अंदर नेजल कैथेटर को चेंज कर दिया जाता है? गिव मी योर रिप्लाई, आई वांट योर रिप्लाई, गिव मी योर रिप्लाई। एडवांस स्टेज के बारे में बता रहे थे, हाँ बिल्कुल। देखो एडवांस स्टेज में क्या है कि नॉर्मली जो नॉर्मल जो कैनुला आता है नेजल, उसकी फ्लोरेट कितनी होती है? 1 से 4 लीटर होती है। लेकिन आज की जो एडवांस टेक्निक की जो नेजल कैनुला आ गए हैं, इनकी जो फ्लोरेट होती है माय डियर कलोराम, ये 1 से लेकर के 6 लीटर तक होती है। अगर आपको इतना पूछे द फ्लोरेट ऑफ द नेजल कैनुला इज इट, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ से रिप्लाई करके चलना है क्या? 1 to 4 लीटर। क्या आंसर करके चलना है आपको यहाँ से? 1 to 4 लीटर, यानी कि 1 से 4 लीटर क्या होती है? फ्लोरेट होती है। अगर चला करके पूछने के साथ एडवांस स्टेज के कैनुला की फ्लोरेट कितनी होती है, तब जाकर के आपको 1 से 6 लीटर चूज करना है, अदरवाइज 1 to 4 लीटर क्या करना है चूज करके आप घंटे के अंदर नेजल जो कैथेटर, कैनुला की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी कर रहा हूँ? कैथेटर की बात कर रहा हूँ, कि नेजल कैथेटर को 8 घंटे में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं? क्योंकि अगर 8 घंटे से लंबे समय तक अगर उसी एक ही नेजल कैथेटर से अगर अपन ओटू थेरेपी देंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एयरवे के जो सीक्रेशन होते हैं ये कैथेटर के अंदर चिपक जाते हैं, इसलिए कैथेटर की ल्यूमेन नैरो हो जाती है, जिससे नैरो होने की वजह से जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट होता है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कि स्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए? टू प्रिवेंट स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब आप जानते हो भाई, किसी भी ट्यूबिंग का क्या होना? नैरो हो जाना, उसकी ल्यूमेन का साइज कम हो जाना, ल्यूमेन का डायमीटर कम हो जाना, क्या कहलाता है? स्टीनोसिस कहलाता है, STENOSIS। क्या कहेंगे अपन इसे माय डियर? स्टीनोसिस के नाम से अपन इसे सर।
क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, अगर नेजल के थिएटर के बजाय अगर आपसे यहाँ से पूछे नेजल कैनुला, क्या पूछे आपको यहाँ से कि साहब जो नेजल कैनुला होता है इसको कितने समय के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। हाँ रानीपाल सर फैन लगा लीजिए, रानीपाल बिल्कुल फैन लगा दो ले, लेकिन फैन लगाने से क्या होता है कि वो नॉइस वाली कूलर पड़ा है लेकिन लगाने से वो नॉइस, आज आपको देखो वॉइस क्वालिटी अच्छी मिल रही होगी, अच्छी नहीं बल्कि थोड़ा सा, बस ये है कि भाई देखो कमरा इसलिए रिजोनेंस क्रिएट जरूर होता है यानी कि आवाज गूंजती है लेकिन आज कोई नॉइस नहीं हो रहा होगा, ये वो कूलर बंद इसीलिए कर रखा है मैंने, है ना। क्वालिटी कल के बजाय और प्यास के बजाय बेटर क्वालिटी है आज की, वॉइस क्वालिटी है ना, ऑडियो क्वालिटी है ना। चलिए फिर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करते चलिए कि जो नेजल कैनुला होता है गाइस, इस नेजल कैनुला को कितने समय के अंदर रिप्लेस किया जाता है, इन हाउ मेनी आवर्स, इन हाँ बिल्कुल निधि 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 बड़ा बड़ा, कितने समय के अंदर अपन नेजल कैनुला को रिप्लेस कर देते हैं, कितने घंटे में भाई, कैथेटर को तो अपन 8 घंटे के अंदर कर देते हैं लेकिन नेजल कैनुला को कितने समय के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है। रानीपाल दिव्या जाट अमन जाजोरिया 2 आवर्स के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, विजय रवीस कितने समय में कर देते हैं रिप्लेस, नेजल कैनुला को कितने समय के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, गिव मी योर रिप्लाई, गुंजन योगी 2 आवर्स के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, नेक्स्ट गिव मी योर रिप्लाई कितने समय में चेंज कर देते हैं, मेजर के दिव्या जाट 2 आवर्स के अंदर चेंज कर देते हैं, देखते हैं भी करेक्ट आंसर क्या आता है। सर ऑक्सीजन इमेज थेरेपी की इमेज बेस्ड क्लासेस से करा दीजिए, बिल्कुल कल कल इमेज बेस्ड ही करवा दूंगा और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, है ना। मेरी 2 आवर्स से पूनम खाली है, 2 आवर्स भगवान सिंह मोबाइल है। चलो चलो फिर मेरे को आप ऐसे बताइए भाई, अपन एवरी 2 आवर्स के अंदर आप नेजल कैनुला को जब चेंज कर रहे हो, फिर मुझे आप बताओ कि जो मास्क होता है, अपन जब मास्क से ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो मास्क को कितने समय के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर मास्क को वो कितने समय के अंदर अपन चेंज करेंगे, बताओ देंगे भाई। हाँ बिल्कुल, आपने नेजल कैनुला का रिप्लाई दिया है, कितना रिप्लाई दिया आपका रिप्लाई मैं बता रहा हूँ ना, 2 आवर्स रिप्लाई दिया है। और फिर मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, जब आप नेजल कैनुला को 2 घंटे में जब चेंज कर रहे हो तो भाई फिर मास्क को आप कितने घंटे के अंदर चेंज करोगे। हाँ रोशनी बताओ, रोशनी भगवान सिंह हो गए भाई, मास्क को कितने समय के अंदर चेंज कर दिया जाता है, फिर जब नेजल कैनुला को जब आप बिल्कुल, क्या किसी को आंसर नहीं आता है भाई, किसी को भी आंसर नहीं आता, अरे भाई कुछ तो बताओ, फिर बफरिंग तो नहीं होने लग रही है, फिर से नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी को नहीं आता आंसर। चलिए रूपा पटेल मास्क का 2 आवर है, रूपा पटेल मास्क का 2 आवर बता रही है, रानी पाल भी 2 आवर बता रही है, लेकिन फिर आप कैनुला का भी 2 आवर बता रहे हो, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखकर चलना है माय डियर, जो नेजल कैनुला होता है इसे नेजल कैनुला को रिप्लेस कर दिया जाता है कितने समय के अंदर, 4 to 6 आवर के अंदर, यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर किसको रिप्लेस कर देते हैं, नेजल कैनुला को। लेकिन जो मास्क होता है इस मास्क को एवरी 2 आवर में क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, ध्यान में रखना, क्या नेजल कैनुला को 4 से 6 घंटे में चेंज करते हैं लेकिन जो मास्क होता है इसको एवरी 2 आवरली 2 घंटे के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस अपन कर देते हैं। तो ये सभी चीजें किसके रिगार्डिंग, नेजल कैनुला के रिगार्डिंग, अपन इसका फ्लो रेट भी देखा 1 से 4 लीटर है, देन इसके साथ साथ में कंसंट्रेशन देखी, एडवांस स्टेज का 1 से 6 लीटर है, कैनुला को चेंज कर देते हैं 4 से 6 घंटे के अंदर, कैथेटर को चेंज करते हैं अपन 8 घंटे के अंदर, मास्क को चेंज किया जाता है एवरी 2 आवर, क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट आपको यहाँ से ध्यान में रखकर के चलना है कि भाई ये जो अपना नेजल जो कैनुला होता है इसे नेजल कैनुला से अपन पेशेंट को अगर हम अपन ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी विच पोजीशन मेंटेन बाय विथ नेजल कैनुला, इसे आप नेजल कैनुला से अपन जब किसी पेशेंट
को ऑटो थेरेपी दे रहे हैं तो पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे? पोजीशन कौन, पोजीशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहां से कौन सी पोजीशन के अंदर रखोगे पेशेंट को? हाँ पूजा कह लिया, बिल्कुल बताइए कौन सी पोजीशन को रखेंगे अपन? वॉइस की, वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, उड़ी एक बार जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वो एक बार अपना ईयरफोन काम में ले लीजिए ना, फिर मैंने ऑर्डर कर दिया है 5 से 7 दिन के अंदर माइक आ जाएगा है ना। अभी यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से मार्केट के अंदर वैसे अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, 5 से 7 दिन का टाइम दिया उन्होंने, 5 से 7 दिन में आ जाएगा, तब तक हमें हो सके मैनेज करके चलना है। क्लासेस का टाइमिंग भी मैंने इसीलिए कम कर रखा है यार। हाँ आ रही है सर, बिल्कुल बताइए क्या विच पोजीशन मेंटेन ड्यूरिंग नेजल कैनुला? अगर कोई पेशेंट नेजल कैनुला से ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर है तो आप कौन सी पोजीशन मेंटेन रखेंगे? गिव मी योर रिप्लाई, कौन सी? योगेश्वरी बैरेगी का आंसर आ रहा है सेमी फाउलर आ रहा है, पूनम खैलिया हाई फाउलर आ रहा है, वेल नेक्स्ट क्या दो अनुराधा कितना आ रहा है सेमी फाउलर आपका रिप्लाई आ रहा है, देन नेक्स्ट निधि सेमी फाउलर रिप्लाई, चलिए फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा रिप्लाई है आपका ना। तो देखिए पूनम, पूनम ख्यालिया को ध्यान में रखना है डियर, हाई फाउलर पोजीशन नहीं देते हैं, जब भी नेजल कैनुला से ओटू थेरेपी देते हैं कौन सी पोजीशन देंगे अपन? सेमी फाउलर, कौन सी पोजीशन देंगे? सेमी फाउलर पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग ऑक्सीजन इनहेलेशन। देखिए जब मास्क होते हैं उस टाइम पे भी पेशेंट को सेमी फाउलर में ही रखा जाता है, सेमी फाउलर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब भी पेशेंट सेमी फाउलर पोजीशन में रहता है तो लंग्स होते हैं उनका एक्सपेंशन अच्छे से होता है, यानी कि लंग्स अच्छे से फैल पाते हैं, एक्सपेंड हो पाते हैं, इससे कि पर्सन इजीली इनहेल कर पाता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी डिस्निया नहीं होता है, इसलिए सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग नेजल कैनुला। ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रख करके चलनी है, क्लियर? तो इन सभी बातों को आप यहाँ से सरल अक्षरों के अंदर लिख लीजिए फटाफट 2 मिनट के अंदर, क्या ध्यान में रखना आपको नेजल कैनुला के रिगार्डिंग? आपको पहली बार ध्यान में रखनी है 1.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग टू प्रोब्स इंसर्टेड इन ए बोथ नॉस्ट्रिल, इन बॉथ किस आप दोनों के दोनों नोस्ट्रिल के अंदर 1.5 सेंटीमीटर लंबा जो प्रोब होता है नेजल कैनुला का वो क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कि जो नेजल कैनुला होता है ये किसके लिए काम में लिया जाता है? इट इज यूज फॉर लॉन्ग टाइम ऑक्सीजन इनहेलेशन, यानी कि लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए कौन सा मेथड? नेजल कैनुला। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ से ध्यान में रख करके चलनी है, क्या बात ध्यान में रखनी है माय डियर? नेक्स्ट बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कि साहब यूजफुल मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन इसके लिए इन एंजाइटी पेशेंट इस आप जो एंजाइटी वाला पेशेंट होता है, एंजाइटी वाला जो पेशेंट होता है जिसको इमेजिनरी सिचुएशन से अनप्रिजरेबल रिएक्शन होती है कि भाई जैसे ही पेशेंट को पता लगता है भाई ऑक्सीजन थेरेपी देने वाले हैं और अगर आप कैथेटर इंसर्ट करते हो पेशेंट भागने की कोशिश करता है, मास्क देखता है डर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को समझाया कुछ नहीं करना, बस इसको तेरे गले में डालना और इसको नाक में, दोनों ब्रोस को नाक में इंसर्ट कर ले, ना कोई दर्द होगा ना कोई और दिक्कत होगा, यानी कि पेशेंट के बाद में कम से कम इंटरफेयर करता है, इसलिए एंजाइटी वाले पेशेंट के लिए सूटेबल मेथड कौन सा माना जाता है? नेजल कैनुला माना जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कैनुला मेथड के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान में रख के चलना है? फ्लो रेट आपको राइट करके चलना है कितना? 1 to 4 liter। अगर आपसे पूछता है द फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला इज, तो रिप्लाई करना है 1 to 4 liter। लेकिन आपको नॉलेज के लिए ये भी ध्यान में रखना है कि
भाई आज के टाइम पे जो एडवांस स्टेज के क्या है माय डियर, जो एडवांस स्टेज के जो नेजल कैनुला है, ये एडवांस स्टेज का नेजल कैनुला, इसकी जो फ्लो रेट होती है एडवांस स्टेज वाले की, ये 1 से 4 की बजाय कितनी होती है, 1 से 6 लीटर पर मिनट। यानी कि एडवांस स्टेज वाले की फ्लो रेट होती है किसके सिमिलर होती है, नेजल कैथेटर के सिमिलर होती है। देन इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कंसंट्रेशन का, क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो नेजल कैथेटर था ये कितना दे रहा था, 22 से 30% कंसंट्रेट ऑक्सीजन डिलीवरी कर रहा था। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जो नेजल कैनुला होता है ये कितनी ऑक्सीजन, 24 से 44% कंसंट्रेट ऑक्सीजन, कंसंट्रेट ऑक्सीजन डिलीवर किसान नेजर नेजर कैनुला के द्वारा 24 से 44% कंसंट्रेट ऑक्सीजन क्या की जाती है, डिलीवर की जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखना है, रिप्लेस, क्या रिप्लेस इन किस, आप कितने घंटे में आप चेंज कर दोगे, तो 4 से 6 घंटे के अंदर क्या कर दिया जाता है, नेजर कैनुला को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देन इसके साथ साथ में क्वेश्चन मार्क लगा के रखना, कौन सी पोजीशन मेंटेन करोगे कैनुला के टाइम पर, तो आपको ध्यान में रखना है सेमी फाउलर्स पोजीशन, सेमी फाउलर्स पोजीशन गिवन टू द पेशेंट ड्यूरिंग नेजल कैनुला। क्लियर गाइस इतनी बात, चलिए बहुत अच्छा, इतनी चीजें आपको समझ में आई नेजल कैनुला के रिगार्डिंग, ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी है, इनसे आउट ऑफ एग्जाम में कुछ भी नहीं आना है। हाईलाइट ग्रोथ आता इतना ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना कि एंजाइटी वाले पेशेंट में कौन सा मेथड रिप्लाई जाना चाहिए, नेजल कैनुला, लंबे समय तक के लिए कौन सा तब जाना चाहिए, नेजल कैनुला। फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा करके एक बात और लिख लेना, क्या सेफेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड, सेफेस्ट एंड कन्वीनियंट। चलिए चलिए फिर क्या, देखो ये बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वाले, फिर अपन करते हैं ये बात आपको यहां से स्टार्ट हो गया, ये बात आपको ध्यान में रख लेना इतनी सी एक बात के लिए, सेफेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन इनहेलेशन का सबसे सेफ और सुविधाजनक मेथड कौन सा है, तो भी आपको रिप्लाई करके जानना है, क्या नेजल कैनुला। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने हैं हमारे लिए, किसके रिगार्डिंग, नेजल कैनुला के रिगार्डिंग। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल कुछ मैं इसका लाइट का भी कुछ करता हूँ, कल कुछ ना कुछ करते हैं, देखते हैं ना। हाँ तो आज के मतलब प्रॉब्लम बाद में फिर से क्रिएट हो गया ना, समटाइम्स वन एंड हाफ आवर का मतलब किसके लिए वन एंड हाफ आवर कह रहे हो आप, क्या चेंजिंग ड्यूरेशन के लिए कह रहे हो, पूर्ण कर लिया वन एंड हाफ आवर किसके रिगार्डिंग कह रहे हो आप, है ना। चलिए बहुत अच्छा, बताऊंगा मैं आपको, है ना, जो भी है। क्लियर गाइस आज के लिए इतना ही, कल अपन मिलते हैं शाम को इसी टाइम के ऊपर, कुछ और इम्प्रूवमेंट कर गए हैं ना। हाँ आज भी क्या ठीक रहा, हाँ बिल्कुल 8:30 PM के ऊपर मिलते हैं कल इवनिंग के अंदर, है ना। ओके बाय बाय, गुड नाइट।